प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है, एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब अम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांति वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। यह राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, जलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गायदिनलियो, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, बेलू नचियार, भारत की नारी शक्ति क्या होती है,
भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। आजादी का जंग भी लड़ने वाले और आजादी के बाद देश बनाने वाले भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम भारती, अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बनकर के दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। ये देश का सौभाग्य रहा है कि आजादी के जंग के कई रूप रहे हैं और उसमें एक रूप वो भी था जिसमें नारायण गुरु हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंदो हो, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हो, ऐसे अनेक महापुरुष हिंदुस्तान के हर कोने में, हर कान में भारत की चेतना को जगाते रहे, भारत को चेतनवंत बनाते रहे। अमृत महोत्सव के दौरान देश ने पूरे एक साल से हम देख रहे हैं, 2021 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, स्मृति दिवस को संवरते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो वो शायद पहली घटना हुई होगी। और हिंदुस्तान के हर कोने में उन सभी महापुरुषों को याद करने का प्रयास किया गया जिनको किसी न किसी कारणवश इतिहास में जगह न मिली या उनको भुला दिया गया था। आज देश ने खोज खोज करके हर कोने में ऐसे वीरों को, महापुरुषों को, त्यागियों को, बलिदानियों को, सत्याग्रहियों को याद किया, नमन किया। अमृत महोत्सव के दरमियान इन सभी महापुरुषों को नमन करने का अवसर रहा। कल 14 अगस्त को भारत ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी बड़े भारी मन से, हृदय के गहरे गांवों को याद करते हुए, उन कोटि कोटि जनों ने बहुत कुछ सहन किया था, तिरंगे की शान के लिए सहन किया था, मातृभूमि की मिट्टी से,
मोहब्बत के कारण सहन किया था और धैर्य नहीं खोया था। भारत के प्रति प्रेम ने नई जिंदगी की शुरुआत करने का उनका संकल्प नमन करने योग्य, प्रेरणा पाने योग्य है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के कर्मी हो, शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हो, जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के शासक प्रशासक रहे हो, राज्यों के शासक प्रशासक रहे हो, केंद्र के शासक प्रशासक रहे हो, 75 साल में इन सब के योगदान को भी आज स्मरण करने का अवसर है और देश के कोटि कोटि नागरिकों को भी जिन्होंने 75 साल अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। सुख दुख की छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां की है, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है। और इसलिए, और ये भी सच्चाई है कि सैकड़ों सालों के गुलामी के कालखंड ने भारत के मन को, भारत के मानवी की भावनाओं को गहरे गांव किए थे, गहरी चोटें पहुंचाई थी, लेकिन उसके भीतर एक जिद भी थी, एक जिजीविषा भी थी, एक जुनून भी था, एक जोम भी था। और उसके कारण अभावों के बीच में भी, उपहास के बीच में भी, और जब आजादी का जंग अंतिम चरण में था तो देश को डराने के लिए, निराश करने के लिए, हताश करने के लिए सारे उपाय किए गए थे। अगर आजादी आई, अंग्रेज चले जाएंगे तो देश टूट जाएगा, बिखर जाएंगे, लोग अंदर अंदर लड़ करके मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अंधकार युग में भारत चला जाएगा, न जाने क्या क्या आशंकाएं व्यक्त की गई थी। लेकिन उनको पता नहीं था ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है, सदियों तक जीता रहा है। और उसी का परिणाम है हमने क्या कुछ नहीं झेला, कभी अन्न का संकट झेला, कभी युद्ध के शिकार हो गए, आतंकवाद ने डगर डगर चुनौतियां पैदा की, निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, छद्म युद्ध चलते रहे, प्राकृतिक आपदाएं आती रही, सफलता विफलता, आशा निराशा, न जाने कितने पड़ाव आए हैं। लेकिन इन पड़ाव के बीच भी भारत आगे बढ़ता रहा। भारत की विविधता जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी,
वो भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अतुट प्रवाह है। और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का कारण लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है।